बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एस्पायरिंग शी के लिए आई हूँ और ये मेरा बिग बॉस के बाद पहला अवार्ड है, अवार्ड फंक्शन है जहाँ पर आपका और वुमेंस डे है और आई थिंक औरत से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है इस दुनिया में और आजकल की औरतें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। कोई भी औरत आजकल किसी बेटे से कम नहीं है। कहते हैं ना कि एक औरत घर बनाती भी है और वही औरत घर उजाड़ भी सकती है। तो मतलब हम में जो शक्ति है, हम मतलब एक औरत माँ भी होती है और आजकल बहुत सारे एंटरप्रेनर्स हैं जो औरतें ही हैं। सो आई एम वेरी प्राउड दैट इतना ज़्यादा मतलब अभी एक वक्त का एक ज़माना था जब हमें सिर्फ एक बीवी के रूप में ही देखा जाता था और बहू के रूप में ही देखा जाता था, बट आज वही बीवी वही बहू बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रूल कर रही है। सो आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड ऑल्सो टू विद दिस इवेंट। जिस तरह से बिग बॉस में आपने खुद को रिप्रेजेंट किया, वुमन पावर दिखाया बिग बॉस में, बाहर आने के बाद क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे उस चीज़ को लेकर और कितना प्राउड फील करती है एज अ वुमन, जिस तरह का आपने अगर बिग बॉस में देखा होगा? बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और जैसा कि बिग बॉस की जर्नी थी बहुत ज़्यादा इमोशनली ऊपर नीचे थी, बट आई जस्ट फील दैट बहुत ही अच्छी तरह संभाला और एक लड़की को हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन करके ही रखना चाहिए। तो जब मैं बाहर से आई, जब मुझे अंदर भी मुझे सर ने बोला कि सलमान सर ने बोला दैट बहुत ही अच्छी तरह गेम खेला, बहुत ही बहुत सारी डिग्निटी के साथ, तो जब बाहर आई तो सब लोगों ने बोला कि बहुत ही इज्जत से तुमने गेम खेला है आरती, और बहुत ज़्यादा प्यार तो मिल ही रहा है लेकिन उसके साथ जो रिस्पेक्ट मिली है सोसाइटी की, आई थिंक वो ट्रॉफी से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल जीतना बहुत ज़रूरी था और रिस्पेक्ट कमाना बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 5 महीना के बाद आप भूल जाते हो कि आप कैमराज के बीच में हो, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कभी भी उस अपनी कभी भी तमीज़ की दायरे को कभी लांघा नहीं। और बाहर आए तो लोग बोलते हैं कि बहुत समझदार हो, तो आई थिंक मेरे लिए ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट आई वुड लव टू डू अ डांस रियलिटी शो। आई बीन ऑफर्ड अ फिल्म बट आई डोंट थिंक सो दैट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। अभी तो मैं उसी ऐसा लगता है मैं अभी भी बिग बॉस में ही हूँ, मुझे अभी भी वो सारा थकावट नहीं निकली है। 5 महीना मतलब अंदर बहुत ज़्यादा था, बट आई एम वेरी हैप्पी। बट अभी आई एम लुकिंग फॉर अ लाइन्स, अगर कोई अच्छा डांस रियलिटी या खतरों, आई डोंट माइंड खतरों। ये क्या हो गया, ये आप लोग ठीक से लगा दो। अगर खतरों का खिलाड़ी समथिंग लाइक दैट, सो रियलिटी शोज आई वुड लव टू डू और इवन लाइक अ गुड फिक्शन शो आई डोंट माइंड। नहीं मैंने देखा नहीं है अभी और वेरी हैप्पी फॉर आसिम, ही इज़ अ टैलेंटेड गाय और अच्छी बात है कि वो जैकलीन के साथ वीडियो कर रहा है। एंड आई थिंक वही एक इंसान था जो अंदर फिट था, तो ऑब्वियसली I'm very excited to see them. I'm very excited to see even Paras Mahira ka jo album. Maine unka sirf first look dekha hai and matlab it's nice. To aapki koi song meri abhi I don't know yahan pe koi star ban gayi hai, मुझे नहीं पता मैं स्टार बन गई हूँ कि नहीं पता, बट अच्छी बात है लोग जानने लगे हैं। और म्यूज़िक वीडियोस की बात, मेरी एक्चुअली मुझे कल ही एक मीटिंग थी बट वो पोस्टपोन हो गई, तो आई माइट अनाउंस अ म्यूज़िक वीडियो बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। देखिए वुमेन्स डे इज़ राउंड द कॉर्नर और हमारे लिए तो पूरा साल वुमेन्स डे है, एटलीस्ट मेरे लिए। मुझे तो पूरे साल मैं खुद भी स्पेशल फील करती हूँ और चाहती हूँ कि सब मुझे स्पेशल फील कराएं क्योंकि मैं लोगों को स्पेशल फील कराती हूँ। तो आई थिंक ऐसे माहौल में इफ़ यू आर अवार्डेड फॉर समथिंग वे यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क,
मुझे जो अप्रिसिएशन मिला है वो स्टाइल के लिए मिला है. सो आई फील ऑनर्ड एंड आई लाइक द टाइटल एस्पायरिंग शी. सो इफ आई मे बी 10% और 5% इंस्पायर एनी वन विच आई बिलीव आई डू बिकॉज आई डू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस. लॉट ऑफ पीपल ट्वीट एंड दे गेट रियली वरीड व्हेन आई एम नॉट देयर. They want me to dress up, they want me to do videos on makeup, hair and what I do, what I don't, on my fitness. So I really, really appreciate it. और इसके लिए अगर हमें appreciation मिलता है तो आपको और अच्छा लगता है अच्छा काम करने, और अच्छा काम करने के लिए आपको motivation मिलता है. कितना important है women's को felicitate करना, क्योंकि कभी कभी जो है women खुद को देखिए औरत को ही फेलिसिटेट करना ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं. आपको भी फेलिसिटेट करना चाहिए. मैन ऑल्सो डिजर्व एवरी काइंड ऑफ फेलिसिटेशन. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ औरत ही डिजर्व करती है. हाँ, वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है और उस मौके पर अगर ये चीज़ हो रही है जहाँ पर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ विल कम हियर, जिनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा जो अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है. बट उससे ये कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं होता कि इट इज़ ओनली फॉर वुमेन. आई थिंक वी ऑल शुड बी अप्रिशिएटेड. थैंक यू. I am overwhelmed with the kind of response the film got, and especially my character. You know, for a television actor, it is very difficult. कि आप, आई थिंक आपने भी, मैंने कोई तो कुछ तो देखा था, आई थिंक इट वॉज़ योर वॉइस, जहाँ तक मुझे लगा कि आवाज़, हाँ हाँ, रिव्यू किया था एंड मैं देख नहीं पाई इनको, लेकिन आई थिंक यही थे. लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म एंड अबाउट माई कैरेक्टर. तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को, एक टेलीविजन एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है वो ब्रेक करना और फिल्म्स में काम करना. सो पीपल लव माई परफॉर्मेंस, सो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड. Well, I have another digital film coming up on Z5 Premium, and after that, I am in talks for other projects as well. Filhal, currently Unlock, my digital film is going to come. Thank you. Rocky, who do you think will be ready at this time? Of course, I want to go with him, but कोई मान ही नहीं रहा है कि ही इज राइट. हम सबको, इनफैक्ट मैंने कल ये भी सुनने में आया कि लॉट ऑफ बिग अवार्ड फंक्शंस आर कैंसिलिंग और होली पार्टीज आर कैंसिलिंग बिकॉज ऑफ द वायरस वी हैव अराउंड. आई थिंक वी गॉट टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल. ठीक है, वो आप यू नो सोशल मीडिया पे यू पुट अप अ लॉट ऑफ स्टफ, क्योंकि उस मोमेंट में आप थोड़े से दुखी हो जाते हो, बट द फैक्ट इज़ वी रियली रियली नीड टू स्टे इंडोर्स जितना हो सके. और ट्रैवल तो अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर, हाथ मत मिलाइए. नमस्ते. ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है जब आप लोगों को इंस्पायर कर सकें किसी भी तरीके से. आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव मेड मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. अभी भी कोशिश ये है कि और थोड़ा अच्छा काम करूँ. मेरी जो साथ की लेडीज़ हैं या फिर दूर दराज बैठकर जो लोग मेरा शो देखती हैं या अभी फिलहाल ये न्यूज़ देख रही हैं, दे शुड गेट इंस्पायर्ड टू जस्ट कीप वर्किंग, मूविंग ऑन एंड नॉट गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स. खुल के जीना आना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हो अपने अरमान और सपने पूरे करते रहें. मुझे लगता है ये जो वुमेन डे स्पेशल अवार्ड शोज़ होते हैं या इवेंट्स होते हैं, ये सिर्फ इसी दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए. औरतों को हर रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए. वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग होती है औरतों के लिए, वो कभी भी नहीं आनी चाहिए. सो आई थिंक एवरी डे इज़ अ वुमेन्स डे. पार्ट टू के लिए थोड़ा वक्त है मुझे लगता है, लेकिन हाँ, आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला ऑल्ट पर बहुत अच्छा लगा. हमें ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है. पीपल अभी तक दे आर वॉचिंग द शो एंड दे आर गेटिंग बैक टू मी कि उन्हें वेब सीरीज़ में मज़ा आया एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीज़न टू. सो लेट्स होप पीपल पिक यू एंड जल्दी हम लोग सीज़न टू लॉन्च करें. पर अभी थोड़ा वक्त है.
इस साल होली के लिए मैं और मेरे हस्बैंड विवेक हम दोनों भोपाल जा रहे हैं. हर साल की तरह भोपाल में होली होती है और दिवाली चंडीगढ़ में. हमारा कुछ इस तरह का रस्म है, रिवाज है. तो हम लोग वापस भोपाल जाएंगे और वहाँ पे इनफैक्ट एक शादी फंक्शन है तो वो अटेंड करेंगे. सो इस बार होली की जगह हल्दी मनाने वाले हैं. दिस इज़ वेरी सैड. लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनफैक्ट बिकॉज ऑफ करोना वायरस. आई थिंक डरने की वजह ज़रूरी है कि हम लोग सब सावधानी बरतें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें. इनफैक्ट मैं और मेरे हस्बैंड जैसे हमने बताया भी भोपाल ट्रैवल करने वाले हैं. सो वी विल मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग मास्क पहन के ट्रैवल करें. कुछ अलग होगा. आई थिंक इट इज अ वेरी नोबल इनिशिएटिव टू ऑनर वुमेन ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड सो इज दिस एस्पायरिंग शी एंड आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड टू बी अवॉर्डेड टुडे एंड एनकरेजिंग वुमेन एक्चुअली एनकरेजिंग एनी वन इन देयर फील्ड ऑफ वर्क और जनरली इन लाइफ आई थिंक is of utmost importance. That is what a human seeks at the end of the day, appreciation for whatever they do. So I think it's wonderful what they do. Any of your upcoming projects you'd like to share? Well, I'm currently doing a show called Kurban Hua on Zee TV. We've started just last week, so it's another journey. We're keeping our fingers crossed and hoping it does well. So what kind of compliments you are getting on the show? And well, this is the first time I have played negative characters before, but this is the first time I'm playing an out-and-out negative character. All the other characters that I've played have had shades of grey. This is the complete out-and-out negative character. So it's interesting. My character on the show is called Ghazala Beg. Also, she's a Muslim character. I'm playing a Muslim character also for the very first time. That's a different challenge of its own. I'm enjoying it, I'm loving the experience, and I'm hoping we keep getting good TRPs and keep soaring. Thank you so much. Aspiring She Award, yahan pe aake kaisa lag raha hai, kitna important hai women's ko felicitate karna? मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मैं एस्पायरिंग शी के फोर्थ एडिशन पे आई हूँ अवार्ड्स देने. और सौमिता तिवारी एंड मेजर तिवारी ये हमारे साथ है जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है. और बहुत खुशी की बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो स्त्रियाँ इतनी प्रगति कर रही है उनको आज हम रिकग्नाइज़ करें. और उस टाइम पर जब आज कल हमारा वुमेंस डे है तो बहुत अच्छा दिन है स्त्रियों की प्रगति देखने का और स्त्रियाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँची है ये देखने का और क्या गोल्स लेके कहाँ पहुँचना है इसकी भी स्टडी करने का. मुझे खुशी है मैं आज इस अवार्ड सेरेमनी पे हूँ. और जैसे कहते हैं कि इफ़ यू हैव टू गेट समथिंग सेट आस्क अ मैन एंड इफ़ यू हैव टू गेट समथिंग डन आस्क अ वुमन. और यहाँ सारी वही स्त्रियाँ थी जो आगे बढ़ के काम करने वालों में से थी और बहुत खुशी है इन सबसे मिलकर. जी हाँ जी हाँ, इट हैज़ बीन रियली वेरी इंस्पायरिंग. बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब हम अलग अलग फील्ड के कई महिलाओं से मिलते हैं और बात करते हैं और उनकी कई जर्नीज़ के बारे में जानते हैं. बहुत सारी इंस्पिरेशन एक साथ मिलती है. और हमारा जो फोरम है एस्पायरिंग शी उसका जो मेन बेसिस है जो उसकी नींव है उसके पीछे इंस्पिरेशंस ही हैं. पिछले 2 सालों में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद है अगले 2 वर्षों में हम इंटरनेशनली भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे. एंड आई हैव दैट फेथ इन मी एंड वी हैव सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन एंड आई एम थैंकफुल टू अमृता जी हु हैज जॉइंड अस टुडे जो हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और एक ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जब एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करती है. So that is very important part. So, I am really thankful to all the ladies who have joined us and especially to Amrita ji also. And thanks to my husband Major Arvind Tiwari who has been supporting me in this endeavor always and who has had a lot of faith in me and in this concept also. Because it is not possible to believe and then you know keep on believing on something and at times it works and at times it doesn't work. सो उस तरह का जो सपोर्ट सिस्टम होता है हमारी फैमिली की तरफ से ही इज़ माई ब्रदर ही इज़ ऑल्सो विथ मी एंड आई माई होल फैमिली जो मेरी 2 छोटी बेटियों का ध्यान रखे हैं आज बिकॉज आई एम हेयर. सो दैट मैटर्स दैट फैमिली सपोर्ट मैटर्स.
सो आई एम बीइंग वेरी इमोशनल टुडे बिकॉज सारा कुछ होता तभी है जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है. सो आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, माय हस्बैंड एंड ऑल द लवली वुमेन आउट हियर. सो ह्यूज थैंक्स टू ईच एंड एवरीबडी इन मेकिंग दिस इवेंट वेरी सक्सेसफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मैंने मैम से पूछा 4 साल हो चुके हैं, आप जो है पहले साल से मैम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील हो रहा है? Actually speaking, there is not much of a support as she is saying. You know, I have been a mute spectator mostly, and I have mostly just showed up on the event day because मैं कुछ दूसरी चीज़ें करता हूँ. तो उतना भी support नहीं, it is magnanimous and really encouraging of I mean it is really large hearted of her to say that. But of course as men हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारी बेटी हो, वाइफ हो, मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, वो जो भी करती हैं उनके पीछे रॉक सॉलिड बन के हम खड़े रहें ताकि वो अपने ड्रीम्स और अपनी एम्बिशंस को परस्यू करती रहें. और जैसा कि काफ़ी पैनलिस्ट ने बोला, मिसेस फडणवीस ने भी बोला कि कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ जो हैं इक्वल बैलेंसिंग ऑफ वर्क फोर्स के ऊपर ही निर्भर करती है. जिन कंट्रीज़ में विमेन आर एट द फोर फ्रंट और अच्छी तरह से कंधा मिलाकर इनफैक्ट आगे भी जाकर आदमियों के साथ काम कर रही हैं, यू कैन सी दोज कंट्रीज फीचर इन द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़. एंड इनवेरिएबली जहाँ पे औरतों का दमन होता है, जहाँ पे उनका शोषण होता है, जहाँ उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, वो कंट्रीज़ को आप देखेंगे कि वो देश में इकोनॉमिकली पीछे हैं, फाइनेंशियली वीक हैं. तो और किसी चीज़ के लिए नहीं, तो हमें अपनी इकोनॉमी के लिए ही विमेन को सपोर्ट करना चाहिए. और ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती है ही दुनिया में. कोई सोचता है कि इनइक्वालिटी है, लेकिन वो उस आदमी की गलत थिंकिंग है. तो वी शुड स्टैंड बिहाइंड आवर विमेन इन वॉट एवर वे दे आर रिलेटेड टू अस. एंड दिस इज़ वॉट आई हैव ट्राइड टू डू फॉर द लास्ट 4 editions एंड आई विल ट्राई टू डू इट एज लॉन्ग एज आई एम अराउंड. थैंक यू. लास्टली आपका जो गाना है उसकी अगर 2 लाइनें गुनगुनाना है. मैंने अभी स्टेज पे गुनगुनाया था और आपको ये गाना सुनना है तो कल आप मेरे लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ सकते हैं, वहाँ मैं आपको सुना दूँगी. कल यूट्यूब पे लॉन्च होने वाला है एसिड अटैक विक्टिम्स पे ये सॉन्ग है और आप ज़रूर आइएगा कल उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लॉन्चिंग पे. यू ऑल आर इनवाइटेड. देन यू डोंट हैव अ पॉइंट टू कम टुमारो. कम टुमारो. कम टुमारो. आई मीन बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है बिकॉज वुमेंस ही है हमारे लिए तो सारा वर्ल्ड ही उनके कारण चल रहा है. हमारी इंस्पिरेशन हमारे हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. वैसे तो वुमेंस अवार्ड बहुत स्पेशल है एंड हमारे लिए बहुत अभी के लिए स्पेशल मोमेंट है बिकॉज हमारी प्यारी सी लड़की को अवार्ड मिल रहा है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का, इन्फ्लुएंसर का. तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा रियली प्राउड मोमेंट. रियली प्राउड मोमेंट फॉर द होल टीम. Everything so same. So the women are the backbone of the men and moreover the society. So due to them we are here. So thanks a lot for being in our lives. Thank you so much. हमारे लिए तो अभी के लिए तो मुरुनू बोलेंगे कि मुरुनू इंस्पायर कर रही है सबको. बट ऑफकोर्स सबकी मम्मी होती है जो इंस्पिरेशन होती है. हम यहाँ पे खड़े तो अपनी सब मदर की वजह से ही हैं. अगर वो हमें पुश नहीं करते तो हम यहाँ पे नहीं होते. तो ऑफकोर्स मम्मी होती है सबकी. हर चीज़ हर सक्सेस के पीछे आएगी मदर का ही हाथ होता है, सबकी मदर एंड फादर. साथ में हमारा हमने पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हम बहुत YouTube पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. तो हमारा YouTube पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है सबका बहुत जल्दी. Congratulations, power change maker. And what did you say?
I know, but it's so funny. I can't even hear what your question was. Okay, so power change maker. Yes. I think I'm absolutely happy and delighted that last year I got most fascinating face of the year, and this year I'm getting power change maker of the year. I think it's, you know, when you're an outsider from the industry, and you're not from the industry, and you kind of come and make a shift and make changes, and you're not just here to act, you're not just here to gain a certain kind of freedom in the industry, but you're also here to make changes in the society. Like, I'm working with period to period shame for women with the government. I am working with SOS, I am working with the UN. So I am absolutely happy that the changes that I can make using the power in hand that I have right now, be it being an actor, be it being a Miss India, I'm absolutely delighted, because we need to be the change we want to see. So the freedom that we gauge by helping other people and supporting other people is, I think in itself is an award for me, because you know, you need an award to of course make yourself feel better, but the award that you get from the universe by actually seeing a smile on a underprivileged kid's face or a old man's face who has no clothes to wear, roti kapra makan jiske paas nahi hai, when you, with the power you hold, help other people, because I think success is service plus support plus the kind of work that you do. And I think I'm very happy to be the power changer maker of the year, because it feels like the power is shifting, coming in the hands of the youth who are leading and marching with great success forward with the stories they believe in and the things they believe in. Thank you. You know, tomorrow is Women's Day. Yes. You know, I feel that women are the co-creators in this universe. If there are no women, there are no men. There's no one. There would not even be a person like me standing here giving an interview. So women are the nurturers, the bearers, the providers, and the destroyers as well. हम उनको कहते हैं अब दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं. We tell them they are the epitome of so many different things. But in our society today, which is the patriarchal society, we look down upon women being women. So forget the government, forget the men. Empowering women. सबसे पहले तो औरत को अपने घर में, अपनी ही औरत को अपने घर की empower करना ज़रूरी है, चाहे वो उनकी बेटी हो, बहू हो. You know, it's very important that your mother-in-law, your mothers, your teachers teach you how to actually empower yourself without having a man or a government tell you these are your rights, these are your duties, first and foremost. Today if I meet another girl and I turn my back and I say, oh, you know, she's a very, and I talk about her character or I talk about who she is as a woman, that's the first and the most, I think the most deranged form of uplifting a woman. You need to respect a woman's body, you need to respect her character, is the first form of uplifting. अब सोसाइटी में हमें चाहिए कि हमको इक्वल राइट्स चाहिए, वी नीड एवरीथिंग इक्वल, बट दैट्स नॉट फेमिनिज्म. फेमिनिज्म इज बीइंग एट पार, नॉट अबव, नॉट बिलो. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड मेन नीड टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट. एंड आई थिंक आजकल बहुत सारे आदमी हैं जो फॉरवर्ड आ रहे हैं, लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग एंड स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉज. Women need to be involved with each other, to support each other. And in our society, education, facilities for women, for their protection and their safety, for them to be sensitized about the rights and duties in villages, be it about their periods, be it about what's important and what's good for them to eat or not eat, ye sab, it's a long process. And if you are making films, log films dekhte hain, usse bahut inspire hote hain. तो आई थिंक हमें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो वुमेन को अपलिफ्ट करती हैं, ना कि ऐसा दिखाती है कि अ वुमेन इज ऑलवेज सपोज टू बी लुक आर इन अ सेक्सुअल वे और लुक आर इन अ डिरेंज्ड वे. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी यूज आवर पावर टू शो वुमेन अबाउट हाउ ब्यूटीफुल दे कैन ऑल्सो बी और ऑल्सो हाउ डेंजरस वी कैन बी. बट द इम्पॉर्टेंस दैट वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस, एंड इफ देर इज नो बैलेंस देर विल ऑलवेज बी एज यू से कलयुग. There will be a lot of issues, and I think it's important कि हम सब हाथ पकड़ के साथ में आगे बढ़ें, यानी कि एक दूसरे का हाथ काट के आगे बढ़ें. तो ये मैं कहना चाहूँगी कि हर वुमेंस डे पे हमें वुमेन की, सिर्फ वुमेन हुड नहीं, बट द पीपल हु सपोर्ट द वुमन टू बिकम हु शी इज टुडे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बी द मैन, द फादर, योर फ्रेंड्स. So we also celebrated together being the people we are and how far we've come. So, thank you. You know, it's a very good speech. And you know, Holi is just
होली के लिए सबसे पहली मेरी प्लानिंग होती है पूरा तेल मलती हूँ मैं टॉप टू बॉटम. आई स्मज एंड रब ऑयल माई हेयर माई एंटायर बॉडी बिकॉज यू नो हाउ पीपल पुट होली इन योर इयर्स दे जस्ट थ्रो कलर्स ऑल ओवर यू एंड आई थिंक आई लव होली बट आई एम गोना मेक श्योर दिस टाइम आई प्ले ऑर्गेनिक कलर्स फर्स्टली सेकेंडली आई माइट नॉट यूज टू मच वाटर बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर स्कार्सिटी गाइस पीपल डोंट गेट वाटर टू ड्रिंक दे डोंट गेट वाटर टू शावर विद सो डोंट प्ले विद वाटर डोंट यू नो गो अराउंड प्लेइंग होली विद योर डॉग्स एंड कैट्स देयर बॉडीज आर नॉट यूज टू कलर्स एंजॉय होली लेट इट बी सेफ अंडे और टमाटर मत फेंकना लोगों पर प्लीज चलते फिरते रिक्शे वालों पर भी आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप होली खेलें हर चीज़ का आनंद उठाएं पर उसको एक दायरे में और एक खुशी के तरीके से एंड करें कि ये नहीं हो कल घर जाके किसी का हार्ट टूट गया है किसी आई में इन्फेक्शन हो गया है. आई लव होली आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद माय वाइट कलर कुर्तीज नो मेकअप बट सन ग्लासेस फॉर श्योर बिकॉज आई हैव ग्रीन येलो पिंक कलर मेकअप ऑलरेडी ऑन माई फेस राइट सो एंड भांग पीती नहीं हूँ बट आई डेफिनेटली लाइक टू एन्जॉय माई सेल्फ विद माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली. थैंक यू थैंक यू. What can I say about a woman? मुझे लगता है a woman is born as a cute daughter to some father, then she grows up with her siblings as a sister, and when she grows into a woman, then she's married. And finally she becomes a wife and further on when she's matured she becomes a mother. So when a mother starts teaching her children at home the education starts from there. So I feel woman is an integral part to a man. Ye kaha jata hai ki ek aadmi ke success mein always ek aurat ka bahut bada haath hota hai aur aaj hum us era mein janm liye hain जहाँ पर एक औरत एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन भी उसे देखा जाता है और उसके काम की तारीफ होती है. सो आई फील वेरी प्राउड टू बी अ वुमेन एंड व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज वेरी डिसाइड. हम ये ना सोचें कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम काम करना शुरू करें. आज इंडिपेंडेंट इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है मुझे लगता है हर न्यूक्लियर फैमिली को एक औरत को भी उतना ही हस्बैंड के साथ में हम साथी बनकर काम करना बहुत ज़रूरी है. सो आई फील दैट एवरी वुमेन दो इट इज़ नीडेड और नॉट नीडेड शी नीड्स टू हैव हर ओन आइडेंटिटी. सो आई फील प्राउड टू बी कनेक्टेड टू दैट एरा वेयर आई कैन वर्क एंड आई कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ वर्किंग वुमेन at the same time. So it's a very pride to have girls and main hamesha koshish karti hu ki main har ek ko iska importance dilaun ehsaas dilaun that we are women we are strong and we are able to do anything and everything where we don't have definition for impossible because impossible says I'm possible. So I thank all women to take concrete participation and stand out as a woman and be feel proud as a woman. Thank you. Holi is around the corner. Kya plan hai is saal Holi ke? To tell you frankly, we have been challenged by some serious virus called coronavirus. So I would pledge everyone, each and every Indian and citizen to take care. And you know, Holi. एक मिलन का त्यौहार है बड़ा प्यारा सा त्यौहार है लेकिन आज मुझे लगता है कि हम लोगों को जो चैलेंज मिला है उस चैलेंज का चैलेंज को ध्यान में रखते हुए वी शुड जस्ट ऑलवेज टेक केयर टू सी टू इट दैट वी रादर बी टेकिंग प्रिकॉशंस व्हाइल वी आर गोइंग आउट व्हाइल वी आर मीटिंग पीपल. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज बी सेफ. होली हर साल आएगी और हर साल हम लोग खेलेंगे लेकिन इस साल के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को होली का त्यौहार अपनों के साथ में घर पर बैठ के मनाना चाहिए. इट्स अ रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील हो रहा है एज अ वुमन. वुमन्स को यहाँ पे फेलिसिटेट किया जा रहा है. कितना इम्पोर्टेंट वुमन्स को फेलिसिटेट करना. वेल मैं सबसे पहले एस्पायरिंग शी को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा.
कि मुझे इस ट्रॉफी के साथ नवाजा है. एक औरत होने में हमारी जीत है और उसके ऊपर से अगर हमें ये अवार्ड देकर फेलिसिटेट किया जा रहा है यहाँ पर, सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी. और कितना इम्पोर्टेंट है वुमेंस को फेलिसिटेट करना, मतलब एक जो है मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं अगर आप फेलिसिटेट करते हो तो. जी बिल्कुल, आई थिंक हमें स्कूल में भी जब कभी किसी चीज़ के लिए मेडल मिलता था या फेलिसिटेट किया जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है. सो जस्ट फॉर बीइंग अ वुमन एक्चुअली बीइंग फेलिसिटेटेड इज आल्सो एन एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट एंड दैट्स हाउ इट शुड बी बिकॉज आई थिंक वी आर इनक्रेडिबल एज वुमन. No, but I'm still in talks. I have no idea what's coming up next. As an actor, it's always very difficult. We're trying to look for the best work so that we can entertain you. Unfortunately, I couldn't follow this year's Khatron Ke Khiladi. But I've seen all the promos. I know a lot of contestants very well. And I wish them the best of luck. And I'm sure they're going to do very well. And we miss Rohit sir. So, इस साल की होली हम वैसे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियाँ फैली हुई हैं. इट्स गुड टू स्टे एट होम एंड टेक केयर, बट मुझे किसी का यू नो वो जो आई डोंट वांट टू टेक अवे. सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली. जस्ट बी सेफ एंड टेक केयर. मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ टू एस्पायरिंग शी दैट दे हैव रिकॉग्नाइज माय टैलेंट एंड हैव गिवन मी अवार्ड एंड दे आर टेक डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय टेकिंग अ ह्यूज इनिशिएटिव अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. अभी वी वी सी लाइक वीमेन्स आर रियली कमिंग अप. वी ऑल्सो लाइक वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर द हेड ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड दे आर हेड ऑफ मेनी मेनी टेक्निकल कंपनीज. सो वेरी प्राउड दैट वीमेन्स आर डूइंग सो वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इंडियन वीमेन्स आर इवन सीईओ ऑफ बिग बिग मल्टीनेशनल कंपनीज अब्रॉड. सो आई रियली एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम श्योर दैट women is going are going to achieve even better things in life, though they have to struggle a bit, but yes, they will. Only wish for audience. Hi, I'm Payal Ghosh and wishing you all a very happy Holi. Love and love.